गाइज, आई एम मनीषा, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, आज मैं खाने वाली हूँ फुल डे सैंडविच। तो मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं आज पूरे दिन सैंडविच खाऊंगी, बट ये मेरे लिए चैलेंज इतना डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज आई लव सैंडविचेस। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मैं बनाऊंगी लंच और फिर डिनर। तो प्लीज गाइज, ये पूरा वीडियो देखना, और ये रेसिपीज बहुत ईजी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फर्स्ट सैंडविच में मैंने ये सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। तो कॉर्न लिया है मैंने, ऑनियन लिया है, कैप्सिकम लिया है, कैबेज लिया है और ग्रीन चिली लिया है। ये चीज़ सैंडविच स्प्रेड है जो मैंने 98 रुपीस का लिया है। ब्लैक पेपर, पास्ता सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, हिमालयन सॉल्ट, अमूल चीज़ क्यूब। तो मैंने ये सारी वेजीज़ को एक बॉक्स में ले लिया है, और इसमें मैं ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालूंगी। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चीज स्प्रेड। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। ये फन फूड्स का मेयोनीज है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेयोनीज लगाने वाली हूँ। मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं मेरा मसाला डालने वाली हूँ, और मैं मसाला बहुत ज़्यादा लेती हूँ। उसके बाद मसाले के बाद मैं इसमें चीज़ डालने वाली हूँ। चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, चीज़ स्प्रेड होने के बाद भी। मैं इसको तवे पे सेकने वाली हूँ, और मैं जब तक सेकती हूँ तब तक एकदम ये क्रंची नहीं हो जाता। तो अब मेरा फेवरेट चीज़ कॉर्न सैंडविच इज़ रेडी। मैं इसको चार चीज़ों के साथ खाती हूँ। फर्स्ट इज़ ग्रीन चटनी, ये चटनी मेरी मम्मी ने बनाया, गार्लिक चटनी, मेयो और लिक्विड चीज़। सो गाइज, ये वाला जो सैंडविच का रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये हेल्दी भी है, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना। सुपर टेस्टी सैंडविच है ये। तो अब हो रही है दोपहर, और मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चॉकलेट सैंडविच बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, वैनिला आइसक्रीम लिया है, और ये मोर का चॉकलेट बार लिया है। तो ये जो बार है मैं इसको टू में डिवाइड करके, और मैं इसको माइक्रोवेव में डालने वाली हूँ। आप इसे 1 मिनट तक कर सकते हो, 1 मिनट में हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप और 10 सेकेंड्स के लग सकते हो, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है, ब्रेड के ऊपर मैंने ये सारा चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड किया है। स्प्रेड करने के बाद मैं इसे ऑब्वियसली ढक रही हूँ। ढकने के बाद मैं इसको एकदम क्रंची करने वाली हूँ। आप यहाँ पर बटर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने घी यूज़ किया बिकॉज़ आई लव घी। तो अब मैं इसको अच्छे से घी लगा के मैं इसको अच्छे से सेकने वाली हूँ जब तक ये एकदम क्रंची नहीं हो जाता। क्रंची होने के बाद लुक बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर और चॉकलेट स्प्रेड करने वाली हूँ, और मैंने यहाँ पर थोड़ी कलाकारी करने की कोशिश की थी जो थोड़ी फ्लॉप हो गई है। तो इसके साथ मैं वेनिला आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, बहुत यम, बहुत डिलीशियस होता है, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। यही सैंडविच अगर आप बाहर जाके खाते हो तो आप लोगों को पता है कि कितना चार्ज लग जाता है, बट ये आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हो विथ एकदम कम इंग्रेडिएंट्स से, और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अफोर्डेबल है, आप कभी भी बना के खा सकते हो। एंड दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट। मैं कभी भी खा सकती हूँ, मैं इसको डिनर में भी खा सकती हूँ, मैं इसको ब्रेकफास्ट लंच कभी भी खा सकती हूँ। ये इतना टेस्टी होता है बिकॉज ये बहुत क्रंची भी होता है एंड स्वीट एंड मस्त। तो अब हो गया डिनर का टाइम। तो ये ब्रेड है, मैंने यहाँ पर रवा लिया है, और यहाँ पर मैंने दही लिया है। मैं इन दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये सारे वेजीज डालने वाली हूँ, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो एंड ग्रीन चिली। तो सारे वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं इसमें मसाले डालने वाली हूँ। तो रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, जीरा, ऑनियन सीड्स, ब्लैक पेपर, और बस थोड़ा सा पानी बाइंड करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए ढक के रखने वाली हूँ, बिकॉज़ जो रवा है वो अच्छे से फूल जाएगा और सारे मसाले सब कुछ अच्छे से सोख लेगा।
तो यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। वाइट ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छे से इस मसाले को स्प्रेड किया है। उसके ऊपर मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने वाली हूँ। ये मैंने डोमिनोज से जो बचा हुआ है वो वाला यूज़ किया है। तो मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। जो मसाला वाला साइड है उसे ज़्यादा सेकना पड़ता है और ये ऐसा दिख रहा है। ये बहुत सुपर डिलीशियस है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।